हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस इज www.cgdme.in। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे ये ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, देर आर टू टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और दोनों ही फुलफिल होना कंपलसरी है। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट क्राइटेरिया, कैंडिडेट का एटलीस्ट 3 साल का एजुकेशन छत्तीसगढ़ से कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही उस कैंडिडेट का या तो छत्तीसगढ़ में बोर्न होना चाहिए, मीन्स उस कैंडिडेट के पास छत्तीसगढ़ का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट उस कैंडिडेट के पास पास्ट 15 ईयर्स का परमानेंट रेसिडेंट प्रूफ छत्तीसगढ़ स्टेट का होना चाहिए। अगर कैंडिडेट ये क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं तो वह छत्तीसगढ़ की स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग प्रोसेस की। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना रहेगा। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो कमेटी की साइड से एक मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट के बिहा पे एंड आपकी चॉइस फिलिंग के बिहा पे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। कॉलेज का अलॉटमेंट होने के बाद आपको फर्दर रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करना रहेगा। ये पूरा एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जो कि नीट के रिजल्ट के बाद स्टार्ट किया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MBBS सीट मैट्रिक्स ऑफ छत्तीसगढ़। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, इफ आई टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, टोटल 14 मेडिकल कॉलेजेस आर देयर इन छत्तीसगढ़ विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1915। एंड इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट कॉलेजेस, टोटल 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर देयर इन छत्तीसगढ़ विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1465। एंड टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर देयर विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 450। आप स्क्रीन पे एक मैप भी चेक कर पा रहे होंगे। इस मैप से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या फिर आपकी नियर बाय सिटी में कितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको एडमिशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन चेक द लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे टॉप पे मैंने एम्स रायपुर मेंशन कर रखा है विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125। इट डजेंट मीन कि एम्स रायपुर में किसी तरह का कोई स्टेट कोटा होता है। एम्स की 100% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि MCC की वेबसाइट पे कंडक्ट होती है उसके थ्रू अलॉट की जाती है। एम्स में किसी तरह का कोई स्टेट कोटा नहीं होता। रिमेनिंग जो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मेंशन कर रखे हैं, साथ में उनके मैंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी मेंशन कर रखी है। इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 15% सीट्स का लोकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है एंड रिमेनिंग 85% नंबर ऑफ सीट्स का लोकेशन आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें से 2 कॉलेज रायपुर में है और एक भिलाई में है। इन तीनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीट्स का लोकेशन स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द BDS सीट मैट्रिक्स। इफ आई टॉक अबाउट द डेंटल कॉलेजेस, टोटल डेंटल कॉलेजेस आर 6 इन छत्तीसगढ़ विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 600। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक डेंटल कॉलेज है विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 एंड टोटल 5 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस आर देयर विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 500। आप स्क्रीन पे एक मैप भी चेक कर सकते हैं जिसके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या फिर आपकी नियर बाय सिटीज में कितने नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको एडमिशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। बात करते हैं डेंटल कॉलेजेस की। मैंने यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर रखी है जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, साथ ही उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। इफ आई टॉक अबाउट अ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर जो कि मैंने फर्स्ट में मेंशन कर रखा है, इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है जिसमें से 15% सीट्स का एलोकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू किया जाएगा एंड रिमेनिंग 85% सीट्स का एलोकेशन आपके स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा। रिमेनिंग सभी प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की 100% सीट्स का एलोकेशन आपके छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग चार्ट। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। फर्स्ट वन इज द GMC मीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड सेकंड वन इज द SFI सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जिनको हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी बोलते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं मैंने ब्रैकेट में 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने मेंशन कर रखा है, मींस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट्स का एलोकेशन छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। रिमेनिंग 15% आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कवर की जाती है। बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर की। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेट 40,000 to 50,000 रुपीज पर एनम तक होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मीन्स SFI। मैंने यहाँ ब्रैकेट में 100% सीट्स मेंशन कर रखा है, मीन्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीट्स का लोकेशन छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेट 6 to 6.45 लाख पर एनम छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फी होता है।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द स्टेट कोटा सीट्स 42.5%, सेकेंड वन इज द मैनेजमेंट कोटा सीट्स 42.5%। मैनेजमेंट कोटा सीट्स में आउटसाइडर्स को भी एडमिशन लेने की परमिशन दी जाती है। एंड लास्ट वन इज द NRI, मीन्स 15% सीट्स यहाँ पे NRI कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। Now let's talk about the list of the documents which is required at the time of counseling process. Qualifying examination marksheet and certificate, NEET UG marksheet, permanent resident certificate या फिर birth certificate, दोनों में से जो भी criteria आप fulfill करते हैं, category certificate if applicable, physical handicap certificate if applicable, passport size photographs and government ID proof. At the time of counseling आपको इन सभी documents की requirement रहती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की MBBS की कट ऑफ की। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी मेंशन कर रखी है, साथ ही मैंने उन सेम कैटेगरीज की फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, बिकॉज छत्तीसगढ़ में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30% इन ईच कैटेगरी रिजर्वेशन अवेलेबल है। सो इफ आई टॉक अबाउट अ जनरल कैटेगरी, द कट ऑफ वॉज 513 मार्क्स, एंड इफ आई टॉक अबाउट अ फीमेल कोटा इन द जनरल कैटेगरी 527 मार्क्स कट ऑफ गया था। अगर OBC की बात की जाए तो 408 मार्क्स, OBC में फीमेल कोटा की बात की जाए तो 513 मार्क्स, SC के लिए 399 मार्क्स, SC फीमेल कोटा के लिए 420 मार्क्स, ST के लिए 314 मार्क्स, ST फीमेल के लिए 319 मार्क्स, एंड फॉर द EWS कोटा 449 मार्क्स छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 2022 सेशन में कट ऑफ गई थी। साथ में मैंने यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन कर रखी है, आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की MBBS की कट ऑफ की। मैंने यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टेट कोटा सीट्स मीन 42.5% ऑफ द स्टेट कोटा सीट्स की कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ ऑफ द जनरल कैटेगरी मीन्स UR 381 मार्क्स, फॉर द OBC कैटेगरी 245 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 199 मार्क्स, एंड ST कैटेगरी के लिए 95 मार्क्स 2022 में छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की स्टेट कोटा सीट्स के लिए कट ऑफ गई थी। साथ में मैंने यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन कर रखी है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम इज अवेलेबल इन छत्तीसगढ़ बट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू OBC, SC और ST कैटेगरी। साथ ही उनको एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, इफ़ यू बिलोंग टू OBC कैटेगरी आपकी फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड इफ आई टॉक अबाउट SC और ST कैटेगरी तो आपकी टोटल फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट इन कैटेगरीज से बिलोंग करता है और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो डेफिनेटली वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर रखी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विस बॉन्ड। छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते टाइम बच्चों को एक सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ता है। सर्विस बॉन्ड की कंडीशन ये है कि कैंडिडेट को अपना MBBS डिग्री कंप्लीट होने के बाद रूरल एरियाज में 2 साल तक की सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है और अगर वो कैंडिडेट UR कैटेगरी मीन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको अगेंस्ट में 25 लाख रुपीज पे करने पड़ते हैं, और अगर वो बच्चा किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको अगेंस्ट में 20 लाख रुपीज वहाँ पे करने पड़ते हैं। ये एक सर्विस बॉन्ड होता है। तो हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव छत्तीसगढ़ की मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस को टारगेट कर रहे हैं तो वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।